हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स इलेवन प्रो प्लस की इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हूँ जो आज बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच खेला जाएगा, जो सातवां मैच खेला जाएगा उसकी बात करते हैं। इस मैच की ये मैच खेला जाएगा आरएनआर वर्सेस सीवी के बीच में। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो वीडियो है, मैं इसमें आपको सिर्फ हो सकता है कि एक टीम बना के दे दूँ। मैंने टीम ऑलरेडी आपके लिए मतलब बनाई नहीं है फिलहाल, मैं उसको नोटपैड में ऐड करके रखा हूँ काफ़ी रिसर्च मारने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो है जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप ये पूरी वीडियो वॉच कीजिए प्लीज़। आप इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि आप अगर मिस करेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ आप न्यूज़ दे दे रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। आप अगर आप स्क्रिप्ट, अब ये तो है नहीं कि आप उसे पॉज करके आप उसे कॉपी मतलब आप लिख लेंगे और उसके बाद अपनी टीम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इस ये जो वीडियो मैं मतलब कि आपको प्लेइंग एलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज उतना टाइम नहीं बचा है। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो वीडियो आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स प्लीज़, और बिल्कुल स्किप्ट मत कीजिए। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले जो इंडिया जो कि पाकिस्तान वीमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड वीमेंस का मैच था, फ्रेंड्स आई एम सॉरी टू से, मैंने ऑलरेडी रात में मेरे कुछ गेस्ट आए थे, तो इसके लिए मैंने न्यूज़ जो है वो तो मैं न्यूज़ निकाल के रख लिया था, बट मैं सोचा कि अभी बनाऊंगा अभी बनाऊंगा, तो वो गेस्ट थे तो, और अगर मैं बाहर जाके बनाता तो इतना क्राउड होता तो वॉइस नहीं आ पाती, तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में ही उठ के वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट फ्रेंड्स, अब मैं सिर्फ यही, जब मैं उठा तो देखा कि सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैं बोला यार 10 मिनट में क्या वीडियो बनाऊँ क्या अपलोड करूँ, तब तक टाइम निकल जाएगा, तो इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और जो मैं न्यूज़ सर्च मारी थी यार, वेस्ट हो गई पूरी शे। तो कोई बात नहीं, तो बात करते हैं इस मैच की। तो इसके लिए मैंने कल रात को ही कुछ न्यूज़ निकाली थी, और कुछ जो कुछ बाकी न्यूज़ थी वो मैंने अभी निकाली न्यूज़। तो बात करते हैं इस मैच की। तो फ्रेंड्स, ये मैच मेरे थोड़ी सी आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो फर्स्ट हम पिच के बारे में बात करते हैं। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आप इसे स्किप मत कीजिए। बात करें पिच की, तो पिच जो है ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, और बात करें जो भी और मैच हो इससे, ये पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, और यहाँ पर हमें ये T20 में अच्छा विकेट देखने को मिल सकता है, मतलब मैच देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि हो सकता है शायद शॉकिंग न्यूज़। शॉकिंग क्या यार, बड़ा प्लेयर था नहीं खेलता, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ब्रेंडन मैकेलम इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप उन्हें मत लीजिएगा, और उन्हें कोशिश कीजिए कि आप 15 नवंबर तक किसी भी टीम में ना ले फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपने 15 नवंबर तक किसी भी मैच में ब्रेंडन मैकेलम को लिया, सो आपका आप जब ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा शून्य शून्य। फिर भी देखिए ब्रेंडन मैकेलम को भाई लोग ने ग्रैंड लीग में कितने परसेंट लोग ने लिया है। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर 38% फर्स्ट मैच में लिया है, उसमें भी नहीं खेले, 10% आज के मैच में लिया है, तो वो भी नहीं खेलेंगे फ्रेंड्स। अगर आप 10% लोग में हैं तो आप उन्हें मत लीजिए। उसके बाद बात करें जो कि थर्ड, जो कि 11 नवंबर को होगा, उसमें 6.7% लोग ने लिया है, तो मत लो भाई, नहीं तो फिर वाट लग जाएगी, क्योंकि वो नहीं खेलेगा। लिख के ले लो भाई, नहीं खेलेगा ब्रेंडन मैकेलम। तो उसके बाद बात करें फ्रेंड्स क्रिस गेल, तो क्रिस गेल अवेलेबल हैं, बट कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर भी भाई लोग ने 11% लोग लिया। कोई बात नहीं, 11% चलेगा चलेगा, 11% अगर खेलेगा तो ठीक है, आज बड़ा प्लेयर है गेल है भाई। क्योंकि वो लास्ट डे में वो दुबई में थे, तो देखते हैं वो मतलब कि अवेलेबल तो है स्कॉट के लिए, बट वो टीम को ज्वाइन कर पाते हैं या नहीं कंफर्म नहीं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो मैं आपसे कंफर्म करूंगा कि आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें मोस्टली कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो कल मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, तो उसमें आपने देखा ही, मैंने आपको कहा था बारिश की संभावना है, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लीजिए, बट टॉप ऑर्डर बैट्समैन फेल हो गया। कोई बात नहीं यार, 8 ओवर का मैच था तो उसमें चलता ही है। और टीम साउदी, और मैंने आपसे कहा था कि कुलदीप यादव खेले, कुलदीप यादव खेला, बट टॉम लेथम नहीं खेला, फिर भी मैंने आपको 50-50% कहा था, नहीं खेला यार, सॉरी उसके लिए। तो अगर आपने टीम साउदी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो गया रहेगा, तो आप ग्रैंड लीग शायद विन कर गए होंगे।
तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स बात करें इसके बाद, पाकिस्तानी प्लेयर इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें भी मत लीजिएगा। और जो दोनों टीम की प्लेइंग 11 होगी वो जो पिछले मैच की तरह सेम होगी। और फ्रेंड्स एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि दोनों टीम के 15 15 प्लेयर बेंच पे बैठे हैं, तो ये डोमेस्टिक मैच है, वेरी रिस्की मैच है, तो आप चाहे चांस ले सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये आपकी रिस्क होगी। उसके बाद अगर मैं आपको दोनों टीम की प्लेइंग 11 दूँ, बट मैं आपको सिर्फ बोल के दूंगा, नोटपैड पे नहीं, बिकॉज टाइम नहीं इतना है, सॉरी यार। तो देखिए, तो आर तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो बात करें RNR में, उसमें है जॉनसन चार्ल्स। उसके बाद मैं आपको दोनों की प्लेइंग 11 दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं जो कि RNR, तो इसमें है जॉनसन चार्ल्स हैं, उसके बाद एडम है प्लेइंग 11 इन बैटिंग ऑर्डर फ्रेंड्स, उसके बाद मिथुन जो विकेट कीपर हैं, उसके बाद हैं यार, मुझे गलती कि मैंने नोटपैड पे मुझे मैं आपको देना चाहिए था। उसके बाद ओहो कोई बात नहीं, मैं आपको टीम बना के दूंगा। तो आप जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ आप वो न्यूज़ सुन लीजिए, क्योंकि यार अभी भी वापस क्राउड आ जाएगा तो मतलब नहीं रहेगा, तो मैं इसलिए बड़ा बड़ा वीडियो बना ले रहा हूँ। तो मैं आपको जो न्यूज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट प्लेयर आई मीन जो आपको बता रहा हूँ न्यूज़, तो आप उस प्लेयर को मत लीजिएगा, बाकी आप सबको ले सकते हैं, आप चाहे तो ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात करें विकेट कीपर में, तो हमारे पास दो विकेट कीपर हैं, ल्यूक रॉकी और मिथुन, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप यहाँ पर ल्यूक रॉकी के लेंगे तो आपको शायद थोड़ी सी क्रेडिट की प्रॉब्लम महसूस होगी। फिलहाल ब्रैंडन मैकलम और गेल तो नहीं खेलेंगे, आई मीन ब्रैंडन मैकलम तो नहीं खेलेंगे, गेल का तो कुछ कंफर्म नहीं है, तो आपके लिए इस मैच में शायद क्रेडिट पॉइंट की कमी नहीं होगी, तो आप चाहे दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं विकेट कीपर में। उसके बाद बात करें जो कि फॉर कैप्टन, तो आप किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, एज इन ल्यूक रॉकी आपके लिए अच्छे होंगे, स्कोर कर रहे हैं बट थोड़े अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद बात करें वाइस कैप्टन, तो आप बैट्समैन के साथ जा सकते हैं या बॉलर के साथ जा सकते हैं, लाइक मलिंगा डेथ ओवर जैसे कि बॉलिंग करते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अनामुल हक, ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे बैटिंग में, तो और क्योंकि ये टू राउंड पे बैटिंग करने आते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मिसबा जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं, मतलब कि 3 राउंड पे बैटिंग करने आते हैं, और थोड़ा सा रिस्क होगा T20 मैच में, बिकॉज उतने बड़े हिटर नहीं है, बड़े हिटर तो हैं फ्रेंड्स बट पहले जैसा जोश नहीं रहा। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑलराउंडर में, तिशारा परेरा, बोपारा और रज़ा, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये तीनों आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होंगे। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑल बैटिंग, मतलब कि जो बैटिंग में आप कोशिश कीजिए कि जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, टू मतलब कि जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और 2 या से 3 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, तो आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप फुल टाइम बॉलर और फुल टाइम बैट्समैन को ही लीजिए, मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन और मे बी एक दो मिडल ऑर्डर बैट्समैन को। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों टीम की प्लेइंग 11 और इंपॉर्टेंट प्लेयर की न्यूज़ नहीं दे रहा, नहीं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता था, टाइम नहीं है यार, नहीं तो आ जाएंगे चिल्लर पार्टी ना चालू हो जाएंगे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जो कि एडम लेथ हैं, वो आपके लिए थोड़ी सी रिस्क हो सकते हैं, बिकॉज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद बात करें, आप कोशिश कीजिए कि आप 4 फुल टाइम बॉलर के साथ जाइए, और आप किसी भी ऑलराउंडर को आप ड्रॉप करेंगे तो बेटर होगा, आई मीन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे कि सिकंदर रजा, बट 3 जो ये सिकंदर रजा को आप ड्रॉप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसकी बात करें फ्रेंड्स एक ग्रैंड लीग टिप्स की, जो मैं हमेशा देता हूँ आपको, तो ग्रैंड लीग टिप्स ये है कि जो कि ये प्लेयर मोहम्मद मिथुन जो है वो अच्छे बैट्समैन है, और ये 1 डाउन में बैटिंग करने आते हैं जो RNR की टीम से, बट मोस्टली लोग ने क्या किया है, ल्यूक रॉकी को अपने टीम में लिया होगा, देखिए सिर्फ इन्हें 30% लोग ने लिया है, 13% लोग ने लिया है, 30 हो गया यार सही में, 30 हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा ले लिया सबने। और फ्रेंड्स उसकी बात करें ल्यूक रॉकी को, देखिए 30 आई मीन
82% लोग ने लिया है लुक रॉन्की को, तो यहाँ पर देखिए सॉरी यार 30% बोल रहा हूँ, यहाँ पर 14% लोग सिर्फ लोग ने लिया, और ये वन डाउन बैटिंग करने आते हैं और अच्छे बैट्समैन है, तो आप चाहे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन होगा। मैं आपको रेफर करूँगा कि आप लुक रॉन्की को ना लेके आप इन्हें लीजिए, मोहम्मद मिथुन को लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इन ग्रैंड लीग में, क्योंकि इन्हें सिर्फ अभी तक सिर्फ 14% लोग ने ही लिया है, तो आप चाहे तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन बैट्समैन है जो कि वन डाउन बैटिंग करने आता है, और सिर्फ इन्हें 15% लोग ने लिया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन ग्रैंड लीग में, अगर चल गए तो आपके लिए लकी साबित हो जाएंगे, ट्रम्प कार्ड साबित हो जाएंगे फ्रेंड्स मोहम्मद मिथुन। तो ये थी कुछ न्यूज़, अब मैं आपको बात करता हूँ दोनों टीम के, जो कि एक एक टीम बना के दे रहा हूँ, जो कि स्मॉल लीग के लिए टीम बना के दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है लुक रॉन्की और मिथुन, अगर आप स्मॉल लीग खेले तो आप मिथुन के साथ जा सकते हैं, आई मीन लुक रॉन्की या मिथुन दोनों साथ जा सकते हैं फ्रेंड्स, बट जैसे मैंने आपको बताया इन्हें सिर्फ 14% लोग ने लिया है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं एज इन ग्रैंड लीग में। तो उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ब्रेंडन मैकेलम को ना लीजिए, और किसी खेल का तो कुछ कन्फर्म नहीं, आप चाहे एक दो टीम या एक टीम में ले सकते हैं एज इन कैप्टन, बिकॉज कन्फर्म नहीं खेलना, बिकॉज पार्टी शार्टी के मूड में रहते हैं हमेशा, तो इसलिए दुबई चले गए थे, तो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, बट आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं क्रिस गेल के साथ। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें अगर आप आपके पास तिसारा परेरा, अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको और ऑप्शन दूँ तो जॉनसन चार्ल्स और उसके बाद डी मुनुवीरा, कहाँ गया भाई मुनुवीरा, अरे मुनु दिलशान मुनुवीरा, जो कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे, सेफ टीम दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं एकदम सेफ टीम दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें भोपारा की, रवि भोपारा, बट काफ़ी लोग ने लिया है रवि भोपारा को, जैसे आप देखिए 88% लोग ने लिया है ग्रैंड लीग में, ओहो क्या होगा। उसके बाद बात करें लसित मलिंगा, बहुत लोग ने लिया होगा इन्हें भी भाई, चल नेट 83% लोग ने लिया, क्या बात है। उसके बाद मुस्तफिजुर मुर्तजा, इन्हें कितने लोग ने लिया है, 61% लोग ने लिया है। और उसके बाद तस्कीन अहमद, जो कि माइनस पॉइंट चल रहा है आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, माइनस पॉइंट वाला बंदा ही आपके लिए अच्छा कर सकता है, 25% लोग ने लिया है फ्रेंड्स। और उसके बाद सुब्रत रॉय, कहाँ गया भाई रॉय, मिस्टर रॉय वेयर आर यू, यस शुभाशी रॉय, इन्हें सिर्फ 68% लोग ने लिया है, यार बहुत लोग ने ले लिया, आप चाहे इन्हें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स और जो बचे मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, तो अगर आपके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए एडम लेथ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, 55% लोग ने लिया है, आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट आप चाहे एडम लेथ, तिसारा परेरा, आप इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं, या आप चाहे फ्रेंड्स नफीस को भी ले सकते हैं, नफीस तिसारा परेरा या एडम लेथ तिसारा परेरा, आप इनमें से आप अपनी प्लेयर बना सकते हैं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रिस्क आप पे है, और आप चाहे सिकंदर रजा को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी टीम और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आपके लिए कैप्टन आप अगर आपने लुक रॉन्की लिया तो आपने कैप्टन बनाइए, अगर आप इन्हें लिया है तो आपने कैप्टन मुथिन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 14% लोग ने लिया है फिलहाल अभी तक, 15% मान लीजिएगा, तो आप चाहे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जो कि अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, आप दोनों जो विकेट कीपर में किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर आप लिए हैं तो। उसके बाद चलिए ठीक है, हम एक अगर आप लुक रॉन्की लेंगे तो आप उन्हें कैप्टन बनाइए, जरूर बनाइएगा, तो मैं एक रिस्क ले रहा हूँ ग्रैंड लीग में, तो आप चाहे तो एडम लेथ सॉरी मिथुन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन बना बनाइए। उसके बाद चार्ल्स, कहाँ गए भाई जॉनसन चार्ल्स, इन्हें आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो लसित मलिंगा को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ न्यूज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बट सॉरी टू से फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, थैंक यू।